गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ स्पेशल स्पेशल सेंटेंस बतलाना चाहता हूं जो कि काफ़ी यूजफुल हैं, और ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में बहुत सारे लोगों को समस्या होता है कि इसका सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में कैसे। तो नो वरी एट ऑल माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे लिखा हूँ, तो इसको वन बाय वन हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे कि ऐसा सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कैसे जाता है और कितना यूजफुल वाक्य है, उसको भी आप देखते जाएंगे बच्चों। तो 1 to 25 नंबर तक मैं यहाँ पे लिखा हूँ, और यहाँ पे पहला नंबर आप सेंटेंस देख रहे हैं, वह बचपन से ही ऐसा है, वह बचपन से ही। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ही हैज़ बीन लाइक दिस ही हैज बीन लाइक दिस सिंस चाइल्डहुड। तो आंसर हमारा बन गया, वो बचपन से ही ऐसा है, ही हैज बीन लाइक दिस सिंस चाइल्डहुड। उसके बाद है बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी आंखें फड़क रही है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, my eyes are flutter, फ्लटर मतलब होता है फड़कना, तो my eyes are flutter, मेरी आंखें फड़क रही हैं। उसके बाद है बच्चों, थोड़ा थोड़ा करके खाओ। इसको बोलेंगे eat, मतलब हो गया खाना, eat little by little, तो कंप्लीट आंसर बन गया, थोड़ा थोड़ा करके खाओ, ईट लिटिल बाय लिटिल। उसके बाद मेरी आंखें फड़क रही है, माय आईज आर फ्लटरिंग। उसके बाद है, वह बचपन से ही ऐसा है, ही हैज बीन लाइक दिस सिंस चाइल्डहुड। उसके बाद देखते हैं बच्चों, सेंटेंस बोलता है चौथा नंबर, ज्यादा भाव मत खाओ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट एक्ट सो प्रेशी, P-R-I-C-E-Y, प्राइसी। उसके बाद है फाइव नंबर पे, मैं जानता हूं तुम अपनी बातों से पीछे नहीं हटोगे। मैं जानता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनेगा बच्चों, आई नो, तुम अपनी बातों से पीछे नहीं हटोगे, You will not back out. पीछे हटना का इंग्लिश होता है back out of your words. तो कंप्लीट आंसर बन गया बच्चों, मैं जानता हूं तो अपनी बातों से पीछे नहीं हटोगे, आई नो यू विल नॉट बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स। बैक आउट का मतलब होता है पीछे हटना। जैसे बोल सकते हैं, मान लीजिए मैं किसी से कोई चीज वादा किया कि कल मैं तुमको पार्टी दूंगा, और उसके बाद मैं तुमको उसको मैं पार्टी नहीं दे रहा हूँ, तो बोलेगा तुम अपने वादा से मुकर रहे हो, मतलब बैक आउट हो रहे हो। इस तरह से मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, इसको बोलेंगे I am not your slave, S-L-A-V-E, slave मतलब होता है नौकर, दास, गुलाम, I am not your slave। नेक्स्ट है, हम लोग गर्मा गर्म समोसा खा रहे हैं, तो ये सेंटेंस तो आसान है बच्चों, हम लोग समोसा खा रहे हैं, वी आर ईटिंग समोसा, परंतु यहाँ पे मेन चीज है गर्मा गर्म, तो हम लोग इसको बनाएंगे, we are eating piping hot, piping hot का मतलब हो गया बच्चों गर्मा गर्म, तो ये बनेगा वी आर ईटिंग पाइपिंग हॉट समोसा, समोसा कंप्लीट आंसर बन गया, वी आर ईटिंग पाइपिंग हॉट समोसा। क्या आपके होश ठिकाने पर है, नेक्स्ट बोलता है क्या आपके होश ठिकाने पर है, इसको बोलेंगे आर यू इन योर सेंस, S-E-N-S-E-S, इसको बोलेंगे क्या आपके होश ठिकाने पर है, आर यू इन योर senses, नेक्स्ट है बच्चों, भाग्य में लिखा कोई नहीं मिटा सकता, तो इसको बोलेंगे what is loted, can't be blotted, B-L-O-T-T-E-D,
अब ये बन गया व्हाट इज लोटेड कांट बी ब्लोटेड। नेक्स्ट है बहुत खाने लगे हो तुम, मीन्स इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट, यू हैव स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट, बहुत खाने लगे हो तुम। नेक्स्ट है समझदार के लिए इशारा ही काफी है, इसको बोलेंगे अ वर्ड टू द वाइज इज ई एन ओ यू जी एच इनफ, अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ। नेक्स्ट है वो जल रही है, जल रही है मतलब जैसे कोई होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई इंग्लिश बोल रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि वो जल रहा है मुझसे, तो उसी तरह का सेंटेंस है वो जल रही है, तो इसको बोलेंगे सी इज गेटिंग जलिस, सी इज गेटिंग जी ई डबल टी आई एन जी गेटिंग जलिस, जलिस मतलब रिसिया होता है जे ई ए एल ओ यू एस, तो ये कंप्लीट बन गया सी इज गेटिंग जलिस। नेक्स्ट है तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती, इसको बोलेंगे यू आर अ बिग माउथ, यू आर अ बिग माउथ एम ओ यू टी एच, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती मतलब यू आर अ बिग माउथ, यू आर अ बिग माउथ। नेक्स्ट देखेंगे दरवाजे को जोर से मत पटको, दरवाजे को जोर से मत पटको, इसको बोलेंगे डोंट स्लैम एस एल ए एन, डोंट स्लैम द डोर, डोंट स्लैम द डोर, बनिया दरवाजे को जोर से मत पटको, डोंट स्लैम द डोर। नेक्स्ट है सच बात सबको कड़वी लगती है, इसको बोलेंगे बच्चों ट्रूथ टी आर यू टी एच, ट्रूथ इज बीटर, ट्रूथ इज बीटर, बीटर मतलब कड़वा होता है, इसी से बना है करेला का इंग्लिश बीटर गार्ड, तो सच बात सबको कड़वी लगती है, ट्रूथ इज बीटर। नेक्स्ट है हमेशा सच की विजय होती है, इसको बोलेंगे ट्रूथ मतलब सच्चाई टी आर यू टी एच, ट्रूथ ऑलवेज ऑलवेज विंस। नेक्स्ट है बच्चों ये आज हो जाएगा, इसको बोलेंगे दिस वुड बी, ये आज हो जाएगा, दिस वुड बी डन टुडे, डन टुडे ये आज हो जाएगा, दिस वुड बी डन टुडे। नेक्स्ट है तुम्हारा नाक बह रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य आपको दिख रहा है, तुम्हारा नाक बह रहा है, इसको बोलेंगे योर नोज इज रनिंग, योर नोज इज रनिंग। आप देखे होंगे स्पेशली बच्चों के साथ ऐसे होता है जब वो लोग को सर्दी वगैरह होता है तो तुम्हारा नाक बह रहा है, योर नोज इज रनिंग। नेक्स्ट है मुझे अजीब सा लग रहा है, इसको बोलेंगे आई एम फीलिंग स्ट्रेंज, एस टी आर ए एन जी ई, स्ट्रेंज मतलब होता है बच्चों अजीब सा, तो आई एम फीलिंग स्ट्रेंज। नेक्स्ट है यह सबके साथ होता है, इसको बोलेंगे इट हैपेंस, एच ए डबल पी ई एन एस, इट हैपेंस ये होता है विथ एवरी वन, विथ ई वी ई आर वाई एवरी वन, यह सबके साथ होता है। पर्दा लगा दो, इसको बोलेंगे ड्रो डी आर ए डब्ल्यू, ड्रो द कर्टेन सी यू आर टी ए आई एन, क्योंकि जब भी हम पर्दा लगाएंगे तो उसको खींचा जाता है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे क्लोज द कर्टेन, बोलेंगे ड्रो द कर्टेन, ड्रो द कर्टेन, ड्रो द कर्टेन। नेक्स्ट है दरवाजा की कुंडी लगा दो, दरवाजा की कुंडी लगा दो, इसको बोलेंगे बोल्ट द डोर, बोल्ट द डोर, दरवाजा की कुंडी लगा दो। बस से उतर जाओ, इसको बोलेंगे बच्चों गेट डाउन, गेट डाउन का मतलब होता है उतरना, फ्रॉम द बस, गेट डाउन फ्रॉम द बस, बस से उतर जाओ। नेक्स्ट है बस में चढ़ जाओ, तो इसको बोलेंगे द इंग्लिश मीनिंग ऑफ चढ़ना गेट इनटू द बस। नेक्स्ट है बच्चों मुझे गलत मत समझना, इसको बोलेंगे डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना, डोंट गेट मी रॉन्ग। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों बहुत सारा सेंटेंस है ऐसे जो बहुत अच्छा लगता है ऐसे सेंटेंस को बोलने में, और बहुत सारे लोगों को ऐसे सेंटेंस का आंसर नहीं आता, तो आज हम लोग 1 से लेकर 25 नंबर तक आए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे 25 to 40 to 50 तक देखेंगे, तो एक बार इसको प्रैक्टिस किया जाए। वह बचपन से ही ऐसा है, इसको बोलेंगे ही हैज बीन लाइक दिस सिंस चाइल्डहुड, ही हैज बीन लाइक दिस सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट है
मेरी आंखें फड़क रही है, उसको बोलेंगे माय आईज आर फ्लटरिंग। फ्लटर मतलब होता है फड़कना, मेरी आंखें फड़क रही है, माय आईज आर फ्लटरिंग। नेक्स्ट है थोड़ा थोड़ा करके खाओ, ईट लिटिल बाय लिटिल। नेक्स्ट है ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी प्राइसी। नेक्स्ट है मैं जानता हूं तो अपनी बातों से पीछे नहीं हटोगे, आई नो यू विल नॉट बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स, आई नो यू विल नॉट बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स। नेक्स्ट है मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, आई एम नॉट योर स्लैव। हम लोग गर्मा गर्म समोसा खा रहे हैं, वी आर ईटिंग पाइपिंग हॉट समोसा। पाइपिंग हॉट मतलब गर्मा गर्म। क्या आपके होश ठिकाने पर हैं, आर यू इन योर सेंसेस सेंसेस। भाग्य में लिखा कोई नहीं मिटा सकता, व्हाट इज लोटेड कांट बी ब्लॉटेड। नेक्स्ट है बच्चों बहुत खाने लगे हो तुम, मतलब तुम बहुत खाना शुरू कर दियो, तो यू हैव स्टार्टेड ईटिंग अलॉट, यू हैव स्टार्टेड ईटिंग अलॉट। ये थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मैच कर रहा है, समझदार के लिए सारा ही काफी है। इसको बोलेंगे अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ। वह जल रही है मतलब वो ईर्ष्या हो रही है, सी इज गेटिंग जलिस। तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती है, यू आर अ बिग माउथ, मतलब तुम्हारा बड़ा सा मुंह है, यू आर अ बिग माउथ। नेक्स्ट है बच्चों दरवाजे को जोर से मत पटको, इसको बोलेंगे डोंट स्लैम द डोर। सच बात सबको कड़वी लगती है, ट्रूथ इज बिटर। हमेशा सच की विजय होती है, ट्रूथ ऑलवेज विंस। ये आज हो जाएगा, ये आज हो जाएगा, इसको बोलेंगे दिस वुड बी डन टुडे। तुम्हारा नाक भर रहा है, योर नोज इज रनिंग। मुझे अजीब सा लग रहा है, मतलब अजीब सा, इसको बोलेंगे आई एम फीलिंग स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब होता है बच्चों अजीब सा, अजीब सा। नेक्स्ट है यह सबके साथ होता है, इट हैपेंस विद एवरीवन। पर्दा लगा दो, पर्दा लगा दो, इसको बोलेंगे बच्चों ड्रो द कर्टेन। दरवाजे की कुंडी लगा दो, बोल्ट द डोर। बस से उतर जाओ, गेट डाउन फ्रॉम द बस। बस में चढ़ जाओ, गेट इन टू द बस। मुझे गलत मत समझना, डोंट गेट मी रॉन्ग। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो से बने रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और ऐसे सेंटेंस का आप आनंद लेते रहिए। इस तरह का सेंटेंस हम लोग फिर से रूबरू होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।